और यू बैंड के ऊपर ही ना ये पूरी जो कर्लिंग हुए हैं इसके अंदर, ये सारे सारे लीक हो जाते हैं, एक एक करके लीक होता है। एक आधी लीक होते तो इस वजह से हम लोग जो ना सारों पे लगाते थके, एक को हीट मारो ना दूसरा भी हीट होके लीक हो सकता है। अच्छा दूसरा भी अच्छा आने वाले ब्लॉग यार आज कैसे हो आप लोग ठीक ठाक हो भाई? आज का जो ब्लॉग है वो है स्प्लिट के हवाले से, एसी के हवाले से। गर्मी में लोग तड़प रहे हैं और जो है क्या कहते सब अपने एसी ठीक करवा रहे हैं। आप दिखाओ इधर भाई ये एसी जो है अभी। तो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर जो लीकेज आ जाती है तो ये चेक कराएंगे। ये इन्वर्टर है ना, ये सादा है, सादा है ये एकदम। जो ये लीकेज आती है वो इन्वर्टर में भी ऐसी ही आती है, सेम आती है, सेम आती है 100% 90% इनर ही। तो इसका ये कितना खर्चा आ जाता है जैसे लीकेज में? इसमें अलग अलग है, अगर आपका खाली टाका लगना है, टाका लगना है अच्छा, तो उसका 7-8 हज़ार रुपये, 7-8 हज़ार रुपये। और अगर बगैर टाके के हो तो? बगैर टाके के जैसे अगर यूवेंट चेंज करने होते हैं तो फिर वो अपना लंबा खर्चा 12-13 हज़ार रुपये। तो गाइस आप चेक कर सकते हैं भाई ये कौन सी कंपनी हायर वालों का है। और ये भाई जो है इसकी लीकेज पकड़ना है कहाँ से हुई है? वैक्यूम पम्प है, ये वैक्यूम पम्प मंगवा लिया है और इसे चेक कर। तो गाइस ये इसका कार्ड है और ये आप देखें किस तरीके से इसने खोला है इसको। अभी ये और चेक कराता हूँ मैं आपको, ये क्या क्या इसके अंदर कितना यार ये गंदा हो रहा है कि सर्विस नहीं कराई 5 साल से? हो गई सर्विस, हो गई सर्विस, होगी ना इसकी? कितने साल पुराना है ये? ये है कोई 5-6-7-8 साल पुराना, 7-8 साल पुराना है। तो अंदर से पूरा पता नहीं 600 बार तो इसकी मुझे लग रहा है सर्विस हुई भी लग रही है ना, ये बना हुआ भी। उसको बोल भेज दे भाई अभी, क्या अभी भी चलाएगा? हाँ ना वो चलाएगा। पकड़ो पकड़ो यार उस्ताद है तुम्हारे ये। तो गाइस अभी इसका ऑपरेशन चल रहा है, ये चेक कर रहा है किस तरीके से इसको खोलें। अलग हो जाएगा ना ये? तो गाइस काम के साथ साथ आप मौसम भी देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो रहा है और पूरा खूबसूरत तरीन लग रहा है इस वक्त मौसम, लेकिन बारिश जो है बरस नहीं रही है और 8 तारीख से बोला है बारिश का। चाय भी आ गई है इस मौसम के अंदर, भाई चाय पीने का मज़ा ही अलग है। कितने कप रखे गए? 4 कप रखे गए ये। अबे 2 चेनक रख गया ये, 2 चेनक क्यों रखे गया ये? ओ भाई ओ जो 2 चेनक क्यों रखे? 2 जरा आ भाई, 4 मुगा पेचकस दे बेटा जल्दी फटाफट। तो गाइस कार्ड खुल चुका है बेटा, हटिया आगे से हटिया तू खोल लो आप। तो गाइस आप चेक करें अंदर भी स्क्रू फंसे हुए होते हैं इसके और ये भाई खोल रहा है। अबे काहे की सर्विस करी है ना, देख तो ले पूरी खराब हुई है, इंजीनियर के हाथ में आ गया, अब होगी सर्विस सही है, अब होगी। गाइस इनसे रब्ता करना ज़रूर, ये ता का नंबर दे दूंगा मैं आपको। किसी भाई को भी एसी लगवाना हो प्रॉपर काम करवाना, किसी भाई को भी प्रॉपर काम करवाना हो एसी के हवाले से, तो भाई आप इनसे रब्ता ज़रूर करना यार, मैं नंबर मेंशन कर दूँ। भाई कपड़ा निकाल लिया भाई ने, ये हाथ साफ करना है, इतनी मेहनती बंदा है ये, सुबह 6 बजे काम पर आ जाता है। भाई अब चेक करें ये हवा से जो है देखें खुद ही चल रही है, ये तो जादू हो गया यार। ये पहल वालों का है, इसका क्या मतलब भाई? ये भी लीक है? तो भाई गर्मी इतनी पड़ रही है इंसान लीक हो रहा है, तो ये तो फिर भी एसी है, ये भी लीक हो जाएंगे। आप चेक करें भाई ये निशान का है क्या है मैं इस पर? अच्छा ये कितने साल पुराना होगा भाई? ये तो नया पीस है, नया पीस है। तो भैया हमने ये खोल दिया है, चेक कराएंगे क्या इसमें मसला है। इसके जो मसला है इसका भी लीकेज का है? हाँ। अच्छा जी ये पहल वालों का है, ये चेक करें भाई इसका। ये भी कार्ड खोलोगे पहले? कार्ड नहीं इसका कॉइल ही निकाल लूँगा, कार्ड की अगर ज़रूरत पड़ी वो भी निकाल लेंगे। कार्ड की ज़रूरत पड़ी वो भी निकाल लोगे, पहले कॉइल निकाल लो भाई। समी भाई की लग रही है धोनी इसे लगा ले बस बस अबे बस। तो गाइस आप चेक करें ये जो है यू बैंड पे जो 2 पे तो लग गया है, अभी ये सब पे लगेगा भाई जी जी। इसके चार्जेस क्या होते हैं वैसे? यार इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, हम लोग भाई ये जो फनकारी यही फनकारी है हमारी। अच्छा हमारी भी मेहनत की वैसे 6-8 हज़ार रुपये होते हैं इसके? हाँ तकरीबन है ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं डॉक्टर बताऊं कि जितने भी स्प्लिट होते हैं एसी होते हैं इन्वर्टर होते हैं उनके सारा मसला इधर से आता है जो लीकेज का होता है। लीकेज का होता है अगर आउटर का भी आता है ना, तो आउटर अभी आउटर का नहीं है अभी आपके पास ना? आउटर का लीकेज नहीं है, इसका इसका कॉइल लीक है। अच्छा कॉइल लीक है, कॉइल लीक है तो कॉइल का मतलब यू बैंड लीक है, काफ़ी पुराना है जब भी इसका है ना। इसमें जो है भाई टाके लग चुके हैं और अभी इसमें लगेंगे भाई, इसमें भी यही टाकों का मसला है। हाँ इसमें भी यही आई लगा हुआ है।
क्या मतलब ये कम यूवेंट है। अच्छा कम यूवेंट है, वो ज्यादा है। वो ज्यादा है, वजह पता है क्यों? वो पुराना मॉडल है, ये नया मॉडल है। अच्छा वो सादा है ये इन्वर्टर। अच्छा अच्छा वो सादा है, जब ही उसमें ज्यादा है। इसमें कार्ड सिस्टम है, इसका कार्ड अभी लेकर आया हुआ। थोड़ा सा चेक करेंगे, जो है पुराना मॉडल का है और ये इन्वर्टर है। ये कैप लगाना जरूरी है इस पे, ये जो लगा रहा है जरूरी है, प्रेशर देगा चेक करेगा। अच्छा नहीं तो निकल जाएगी गैस। इससे प्रेशर देगा। अगर ये टूट जाए तो कोई मसला तो नहीं होता? बहुत बड़ा मसला है ना, बहुत बड़ा मसला है ना, इसको एहतियात से निकालना पड़ता है। सारी लॉक है, मतलब चेक करें। अगर ये टूट गया है ना तो समझ लें बस के फिर काम नहीं, बिगड़ जाता काम। तो भाई आप चेक करें, ये लीकी जिस तरीके से चेक होती है एयर कंडीशन की, गर्म हो रहा है, धुआं निकल रहा है ना। तो भाई आप चेक कर सकते हैं, ये जो धुआं निकल रहा है लीकेज है ना, है था? यही तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से लीकेज है ना। मैं समझ गया था, यहाँ से लेकिन यहाँ से भी बबूले निकल रहे हैं। हाँ तो भाई आप चेक कर सकते हैं कि लीकेज जो है ये निकल रही है, तो इससे गैस निकल रही है तो पता है ना इसी में, बाकी और सब साइड है। ये देखें आप, धुआं उठ रहा होगा, ये गैस निकल रही है इसकी ना। नजर मारो बेटा, नजर मारो, सब वही है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है। चार के बाद छठा है, पांचवा छठा। तो भाई अभी पीछे वाला चेक हुआ था, अभी ये वाला चेक हो रहा है। ये वाला तो सही है, हैं? तो भाई अब चेक करें भाई, ये वाला साइड जो ओके है और नीचे वाला जो साइड था भाई, इसमें से लीकेज हो रही है एक साइड में से। ठीक है भाई, ये गैस देख रहा, ओ घुमाओ बेटा। हाँ यही वाला है, यही है। दे देगा ना जलाने भाई, आप चेक करें भाई, ये जला रहे हैं इसको अभी। तो समीर भाई तुम भी यही काम कर लो ना। अरे आराम से आराम से, लीकेज पता लग जाए। तो भाई आप चेक करें भाई, ये टाका लग रहा है। तो भाई आप चेक करें टाका किस तरीके से भाई लगा रहा है, और यू बैंड के ऊपर ही ना ये पूरी जो कर्लिंग हुए हैं इसके अंदर, ये सारे लीक हो जाते हैं, एक एक करके लीक होता है। लीक होते तो इस तरह से हम लोग जो ना सारों पे लगाते थके, एक को हीट मारो ना दूसरा भी हीट होके लीक हो सकता है। अच्छा दूसरा भी, अच्छा आने वाले को।